1980 के बूथ के अध्यक्ष ननि गोपाल मित्रा जी चुनाव लड़ रहे थे, पूर्व विधायक थे और उस समय लालपुर स्थित बालिका उच्च विद्यालय का मैं बूथ अध्यक्ष था लालपुर चौक पे। और वो सफर आज हम सब कार्यकर्ता की भूमिका में आज याद है। एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को आज पार्टी ने इतना सम्मान दिया, पार्टी ने विश्वास जताया और यह विश्वास एक एक कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष करता रहा, एक एक कार्यकर्ता, हमको वो शासन भी याद है जंगल राज जब लालू का था, जब गरीब रेला निकलता था, जब लाठियां चलती थी, जब भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जाता था। आप सब इस बात के गवाह हैं कि अल्बर्ट एक्का चौक पे लाठियां चलती थी, भाजपा का झंडा, लेकिन लोग सम्मान से संघर्ष करते हुए रांची की सड़कों पर भाजपा का झंडा लगाते थे। और आज हजारों कार्यकर्ताओं के चलते या देश में करोड़ों कार्यकर्ताओं के चलते आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक दल बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। और उसके बाद पूरी दुनिया में जो राजनीतिक दल है वो अपने को राजनीतिक आइडियोलॉजी से जोड़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम परिवार से जोड़ते हैं। भाजपा एक परिवार है और उस परिवार के नाते हम कार्यकर्ता सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। ऐसी पार्टी जो आज देश में देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास, देखिए रामकायल चौधरी जी के साथ 40 वर्ष का हमारा संबंध रहा, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गार्जियन हैं। और जब मैं परसों उनके यहाँ गया तो एक घंटे बैठे और आपके मीडिया में हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं पार्टी ने पुराने कार्यकर्ता को टिकट दिया है, आज भी अखबारों में पढ़ा। तो एक बड़े भाई का प्रेम, एक अभिभावक का प्रेम दिल से झलक रहा है और उनका आशीर्वाद उन्होंने आज मीडिया में भी कहा कि हमने उनको आशीर्वाद दिया। सत्रह तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं। रामकायल चौधरी कर रहे नामांकन। हमने कहा हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मार्गदर्शक रहे पिछले 40 साल से, उनके साथ स्कूटर में, पुरानी एम्बेसडर कार में, जीप में संघर्ष करते रहे उनके साथ। हमको वो दिन याद है कि एक बार जब 1990 में रामकायल चौधरी जी हारे तो मैं और गामा सिंह जब पंडरा बाजार के बाहर हरे रंग के झंडे लहरा रहे थे, हरे रंग का गुलाल चल रहा था, तो हम सब दोनों कार्यकर्ता, हम और गामा सिंह पीछे खेत से तड़प के भागे थे। तो मेरा घर तो 3 मिनट का रास्ता है पंडरा बाजार से, लेकिन वो जो सामने का दृश्य था वो दृश्य देख नहीं पा रहे थे। एक कार्यकर्ता का भाव कि हम चुनाव हार गए, हमारी पार्टी चुनाव हार गई, हमारे नेता चुनाव हार गए, तो दिल टूट रहा था कि घर में जवाब क्या देंगे, पत्नी क्या बोलेगी कि कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, माँ क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा, बेटी क्या बोलोगी। समाज तो बात है, परिवार को फेस करना कि आप तुम्हारी पार्टी हार गई, ये एक सबसे बड़ा दिल पर चोट होती है। और फिर हम सब हम गामा से पीछे खेत से भागे थे, वो दिन भी हमको आज याद है।